हाय गाइस गुड मॉर्निंग हाय गाइस गुड मॉर्निंग आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे ही रहना चाहिए। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी मेरा ही है। वो कहानी मेरा ही है, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना। सिद्धार्थ है और मैं कर्नाटक में एक मध्यम वर्ग फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और बचपन में 14 साल की उम्र में मैं राजस्थान चला गया था जोधपुर में। बहुत ही स्ट्रगल पीरियड रहा मेरे, कोई वहाँ पे मेरे को पाला पोसा बड़ा किया और मेरा एज हो गई कम से कम 25 ईयर्स। मैं 25 साल वहाँ आए, मतलब मेरे एज अभी 37 है। बहुत स्ट्रगल भरी जिंदगी रही, तो बहुत जगहों में काम किया, फास्ट फूड बनाया, होटल्स में काम किया, बहुत कुछ स्ट्रगल देखा लाइफ में। और कुछ क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आता है, लाइफ में क्या करना क्या नहीं करना कुछ भी समझ में नहीं आया। वहाँ से मैं टिफिन सेंटर खोला था, मैं टिफिन सेंटर अच्छा खासा चल रहा था, पैसा भी बना रहा था सब कुछ, बट लाइफ में कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप कौन क्या मेरे कुछ याद ही नहीं था। एक दिन शिरडी गया था मैं, शिरडी जाके फिर वहाँ पे जाने के बाद मेरे को याद आया कि मेरे घर कर्नाटक में है और इस जगह में है। और आज मैं घर आके कम से कम 10 साल हो गया और घर में मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में काम करती है और मैं भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। अभी फिलहाल महीने में 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा था बट अभी 10,000 कमा रहा हूँ, ठीक है। कन्नड़ा भी मैं सीख रहा हूँ सब, क्योंकि बचपन से ही वो सब कुछ रहता है ना, तो इसलिए मैं वैसे स्ट्रगल में आपको मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चा 14 साल का चला जाता है, उसके बाद मम्मी के ऊपर क्या बीतती है क्या नहीं है। वो कहीं भी मैं आज के डेट में तो कोई भी कहीं भी नहीं भेजती है मुझे, आप काम करो ऐसा नहीं बोलते कभी भी। फिर भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, एक जगह मैं नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ 10,000 रुपये मिलता है। मैं ऐसे ही फ्री टाइम में यूट्यूब चैनल देखता रहा काफ़ी साल हो गए, लगभग 6 साल हो गए। कभी सोचा नहीं होगा मैं चैनल ओपन करूँगा, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। सबका लाइफ में स्ट्रगल पीरियड होता है और मेरे जैसा हालत तो किसी का भी नहीं आना चाहिए और सभी अपना अपना जीवन बहुत ही अच्छा रहना। और लाइफ तो पैसों में बगल तो नहीं चलती है, यूट्यूब में ना परेशान करके रखते हैं सब, यूट्यूब से पैसा आता है आप कमाओ, आप यूट्यूब चैनल ओपन करो, मगर ये सब होने के लिए आप ही लोग कर रहे हैं। आप अगर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। और मैं कंटेंट जो भी डाल रहा है वो आपको देखना है, थोड़ा बहुत देख के अच्छा लगे तो मेरे भी चैनल को आप लाइक करना और कमेंट करना, और आपको अच्छा लगे तो आप जरूर मेरे चैनल को देखिएगा। और मैं आने वाला समय में सभी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं यूट्यूब इसलिए, और आने वाला समय में मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगा, मैं आपको ऑल ओवर कर्नाटक में क्या है क्या नहीं है मैं आपको दिखाऊंगा, आप नॉर्थ में बैठ के देखिए, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी बैठ के देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो उस समय भी यही बोल रहा हूँ कि अच्छा लगे कॉन्टेंट तो वही आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट तो जरूर करना। आप कमेंट करेंगे तो ही मैं कर पाऊंगा कोई भी चीज। ये मैं शूट कर रहा हूँ मेरे मोबाइल से और सभी लोग दिखाते हैं, मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है दिखाने के लिए, और यही मेरे। और एक दिन कभी भी लाइफ में इमोशनल मोमेंट्स आता है ना, तब दो मिनट अगर सोच लो क्या करना है तो आइडिया आ जाती है लाइफ में। बहुत ज्यादा दुखी था, कम से कम नुकसान तो मेरे यार दोस्तों ने किया है, कोई बात नहीं क्योंकि उस समय अकल नहीं था। फिर मेरे को अकल अभी आई है तो कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ लॉस हो गया मेरा, मगर फिर भी मैं ठीक हूँ। मैं जिंदगी में हैप्पीनेस और जॉय होना बहुत जरूरी है, वही मैं करता हूँ और आप ही लोग ऐसे ही करना। ओके, सबको मेरा नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय, बाय, जय भारत।